सर स्प्रेड की बात करें तो किस तरह का थीम है और क्या रोल प्ले कर रहे हैं और क्या इंस्पायर्ड किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और एक नए चैनल की शुरुआत के लिए आई थिंक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट टू डू एंड वी रियली डोंट नो कि वेयर दिस इज गोइंग टू बी रिलीज बिकॉज दैट इज नॉट माय कंसर्न. माय कंसर्न इज टू जस्ट बी एन एक्टर. मतलब मैं अपना काम करता हूँ, निकल जाता हूँ. ये कहाँ रिलीज करेंगे सर? सब कुछ विजय भदौरिया साहब के ऊपर है, राजेंद्र पॉल के ऊपर है. दे विल रिलीज द प्रोजेक्ट बिकॉज ऐसा तो है होता नहीं कि मैं OTT प्लेटफॉर्म है तो मैं उसमें कम एक्टिंग करूँगा या दूसरा कुछ टेलीविजन का है तो मैं कम एक्टिंग करूँगा. मैंने काम तो वही करना है. आप जहाँ रिलीज करेंगे गुड, आई एम देयर इन द प्रोजेक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. गंगा तो है महान जिस तरह का जो टाइटल है, ये ऑब्वियसली गंगा की कहानी है और क्या क्या वो अपने परिवार के लिए क्या क्या गुजरती है, क्या क्या करती है अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए. किस तरह गंगा जो है हमारी जो पावन नदी है वो किस तरह लोगों के पापों को धुल वहाँ से निकलती है गंगोत्री से और बिल्कुल कलकत्ते तक जाती है और बीच रास्ते में लोग आते हैं, मिलते हैं, चल जाते हैं. कोई उसमें डुबकी लगाता है, कोई उसमें तैरता है, कोई उसमें नाव चलाता है, कहीं कहीं उसमें मुर्दा जला के फेंक दिया जाता है. मतलब ऐसी पावन नदी है हमारी ये. तो ये उसी पर, मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि गंगा नदी पे बेस्ट है, एक गंगा नाम की लड़की है जिसमें बेस्ट है. और बहुत ही खूबसूरत रोल है लड़की का और मेरा भी ठीक ठाक है. मैं उनका फादर प्ले कर रहा हूँ. बेसिकली फादर डॉटर की कहानी है और मदर हैं ये, बैठी हैं ये, बनी हुई हैं ये, छोटी बेटी बन रही हैं. सर OTT प्लेटफॉर्म फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर्स तो बहुत बेस पर कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे एक OTT प्लेटफॉर्म पर काम करना बिकॉज वी आर वर्किंग सेवरल मेजर मूवीज ऑल्सो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको कितना लगता है कि आगे चल के क्या फ्यूचर होने वाला है एज एन एक्टर आपका? सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने टेलीविजन करना से 35 साल पहले जब टेलीविज़न की एंट्री हुई थी हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मैंने तब से टेलीविज़न किया है. उस दौरान मुझे याद है कि मेरे जो कलीग्स थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज सारे के सारे टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, तो वो कहते थे यार तू पागल हो गया है किरण, यार तू क्या टेलीविज़न में काम कर रहा है, ये कर रहा है, इतनी सारी फिल्में हैं तेरे पास, ये सब करना है. ऐसा नहीं, सी टेलीविज़न इज़ प्रोग्रेस है और आपको प्रोग्रेस को आप मद्देनज़र रखते हुए आप प्रोग्रेस को के साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ता है आपको. आप प्रोग्रेस को शन नहीं कर सकते. पहले रेडियो था, पहले थिएटर था, फिर रेडियो आया, रेडियो से बाद फिल्में आई, फिल्मों के बाद टेलीविज़न आया. अब एक साथ सब कुछ चल रहा है, थिएटर भी चल रहा है, रेडियो भी चल रहा है, टेलीविज़न भी चल रहा है, फिल्में भी चल रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म भी चलेगा. तो ये प्रोग्रेस है. तो मैंने उस वक्त टेलीविज़न करना शुरू किया था आज से 35 साल पहले. मेरा पहला सीरियल था पंखों से पंजों तक. मैंने दूरदर्शन में बहुत काम किया और मैंने अगर आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन खैर सभी को मालूम है, मैंने तकरीबन 8600 एपिसोड्स किए हैं टेलीविज़न के. कितने? 8600 एपिसोड मैंने किए एज एन एक्टर. कई लोग हैं जिन्होंने शायद उतने नाश्ते भी नहीं किए होंगे. तो मैंने काफ़ी काम किया है और मैंने हर काम को इन्जॉय किया है. मैंने टेलीविज़न को भी इन्जॉय किया है, मैंने फिल्मों को भी इन्जॉय किया. अब ये कहना कि मुझे फिल्में पसंद हैं या टेलीविज़न पसंद है तो ये तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान के लिए उसका काम काम होता है. तो किसे पूछें कि आपको राइट आंख पसंद है या लेफ्ट आंख पसंद है, आपको आंखें तो अपनी दोनों पसंद होती हैं. सर लास्टली जस्ट वन कमेंट की जो क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, कुछ लोग का मानना कि ज़्यादा मिलता है इसमें, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो चीप क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसमें स्प्लिट कंटेंट. सर मैंने आज तक नहीं किया. नहीं मैंने आज तक नहीं किया. ऑफेंसिव लैंग्वेज, न्यूडिटी, शोइंग सेक्शुअल इंटीमेसी मैंने आज तक नहीं किया. और जो लोग करते हैं उनके अपने अपने रीजंस होंगे, तो वो जो करते हैं उनके बारे में मैं कमेंट करने वाला कौन होता हूँ. मैंने पर्सनली कुछ नहीं किया. मैंने आई डोंट बिलीव कि कुछ एस्थेटिक्स होते हैं लाइफ के. तो और अगर आप देखा जाए मैंने इतने करियर में मैंने कैरेक्टर रोल भी किए, लीडिंग रोल भी किए, किसी का भाई बना, किसी का हस्बैंड बना, किसी का बेटा बना, मैंने सब कुछ किया. लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा सा उस तरह रखा कि आपको मालूम मैंने विलेन रोल्स भी किए हैं और विलेन रोल्स करने मैंने आज तक कभी रेप सीन नहीं किया. रेप जो सीन होते हैं वो मैं नहीं करता. मैं कुत्तों को लात नहीं मारता, मैं बच्चों के साथ बदतमीजी नहीं करता, मैं औरतों के साथ बदतमीजी नहीं करता.
because I feel that we should all respect women, right. Because it's women's world, and to show them in a bad light is not fair on them. Right. Should not do that. Thanks. Anything else you want to talk about? Thanks. You got everything? Yeah, thanks a lot, sir. Are you sure you have nothing? Absolutely? Yeah. No, sir. All right, nice talking to you. And thanks, nice talking to you. Thanks. Nice talking to them also, because they are my audiences. Yeah. ये लोग मेरी ऑडियंस हैं जब तक ये मुझे देखना पसंद करेंगे ना तब तक मैं जिंदा रहूँगा सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखता है वो आप लोग रखते हैं क्योंकि जिस दिन आप लोग मुझे देखना बंद कर देंगे उस दिन मेरा वजूद मेरी जो शख्सियत है वो ख़त्म हो जाएगी सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग मी कीप ऑन लविंग मी एंड माई जर्नी इज़ जस्ट स्टार्टेड इवन आफ्टर 45 ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड आफ्टर डूइंग सो मच वर्क आई स्टिल फील लाइक अ न्यू कमर I still feel that my journey has just started. And God bless you, and God bless you all. Keep on watching me, and keep on loving me. Thank you very much. Thanks, sir. Thanks, sir. Ma'am, jo project hai uska kya theme hai, wo bataiye, aur jo character play kar rahi hai, wo bataiye. Main jo character play kar rahi hoon, isme jo main kirdaar nibha rahi hai, Ganga, wo ladki, matlab, bahut seedhi saadhi ghar ki hoti hai, middle class family se hai. तो उसके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं उसके डैडी मतलब मैं उसके माँ का रोल निभा रही हूँ ये मेरी छोटी बेटी है मतलब गंगा की छोटी बहन और किरण सर को अभी देखा है वो मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे हैं इसके पापा का रोल तो मतलब जैसे आजकल जो होता है ना नॉर्मली जो चल रहा है कि आप मिडिल क्लास के लोग होते तो कैसे जो उनकी जो स्ट्रगल होती है लाइफ की कि दो दो बेटियां होती है और किसी को मतलब काम नहीं होता है तो कैसे टेंशन में आते हैं बच्चे के लिए और वापस फिर उनके मतलब ऐसे कुछ है इसमें उनकी कुछ तो, मजबूरियां होती है जिसकी वजह से वो उनकी कुछ मजबूरियां होती है जिसकी वजह से वो मतलब पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उनको ये सब काम करना पड़ता है और बेसिकली जैसे सर ने बताया किरण सर ने और जो मैम आपको बता रही हैं बेसिकली ये मेरी मदर हैं और वो मेरे फादर बने हैं इसमें और जो गंगा है वो मेरी सिस्टर बनी है मैं सुगंधा का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रही हूँ बट मुझे लगता है कि ये जो OTT है ये मेरे लिए फर्स्ट मैं नहीं कह सकती मैंने और भी काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया है वेब काफ़ी किया है लेकिन ये वेब मेरे लिए बिल्कुल अलग है क्योंकि ये फैमिली बेस्ड है मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर है और ये फैमिली बेस्ड है इसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम अपनी परिवार के साथ नहीं देख सकते ये पूरे परिवार के साथ देख सकते हो एज अ मूवी आप लगेगा कि आपको कि आप ये सीरियल या कुछ ऐसी कोई पिक्चर देख रहे हैं तो मतलब आप इंजॉय करोगे ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जिस तरीके का कंसेप्ट सर का है या जो चीज़ें इसमें डाली गई है वो एकदम फैमिली के ऊपर ही बनाई गई है और एक लड़की का या एक परिवार का जो स्ट्रगल होता है मिडिल क्लास में वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा मुझे सर का अभी जो सर ने बोला है कि गंगा नदी है जो गंगा वहाँ से निकल के कलकत्ता में मिलती है लेकिन वहाँ उस नदी में या पानी में अच्छे लोग बुरे लोग हाथ धोते हैं ऐसा कुछ बोला है तो सेम उसी मतलब वही लाइन पे ये स्टोरी है कि ये गंगा जो बहुत पवित्र है लेकिन उसके लाइफ में इतने सारे जो हादसे होते हैं और उसके बाद जो उसको ने उसने जो वो कदम उठाती है तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक सो कि आजकल की लड़कियां ऐसा कोई कर सकती है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है फैमिली ड्रामा है मतलब पूरे अब फैमिली अब दादी से लेके छोटी 2 साल की बच्ची से लेके बहू बेटी अब सब बैठ के देख सकते हो क्योंकि ये ऐसी कहानी है और प्लीज़ आप सब देख लीजिए एक बार देख लीजिए बहुत अच्छी स्टोरी है बहुत अच्छी कहानी है और अगर गंगा के जैसे अगर 100 में से 5 भी लड़की अगर हो ना तो जैसे मैं माँ हूँ बाप है तो बेटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे गंगा हो तो बहुत अच्छी स्टोरी है और इनका टाइटल है गंगा तू है महान तो सच्ची में गंगा तू है महान थैंक यू सो मच मैम जो प्रोजेक्ट उसके लिए बताया कि क्या प्रोजेक्ट है किस तरह किरदार और कितने उत्साहित हैं किरदार को लेकर इस प्रोजेक्ट को लेकर ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अलग है जो आजकल जनरेशन आई हुई है लाइक कि बहुत से लोग को प्रॉब्लम्स होती है इस सरोगेसी माँ के ऊपर है
शॉर्टकट में बताऊं तो, और मेरा कैरेक्टर एक ऐसा है कि जो जिसे बच्चे की ज़रूरत होती है पर उसे बच्चा नहीं मिलता, तो वो बहुत परेशान रहती है, तो उसे वो कैसे बच्चे को मतलब पाने के लिए क्या क्या करती है, वो मेरा कैरेक्टर है। और बहुत ही सीधी सादी टाइप की लड़की हूँ मैं ऐसे, मतलब मुझे पता नहीं कि कौन कैसा है मेरे प्रति, वो सब ऐसे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सरोगेसी माँ के ऊपर है और इंटरेस्टिंग है बस। तो किरण कुमार जी से मंजी कलाकार से प्रोजेक्ट का हिस्सा, उनके बताया कि कैसा अनुभव रहा है अभी तक? क्या किरण कुमार जी के बारे में बताइए। किरण जी के सर से साथ तो नॉर्मली मैंने काम किया था, एक सीरियल भी मैंने उनके साथ किया है, और उन्होंने मेरे ससुर का रोल प्ले किया था उस वक्त भी, मैं ज़्यादा उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती बिकॉज वो बहुत सीनियर हैं, तो थोड़ा सा है रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छे हैं आर्टिस्ट, वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड तो हैं ही, नो डाउट दुनिया जानती है, तो ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं और टैलेंटेड भी हैं। और जो पास्ट प्रोजेक्ट किया आपने और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रही हैं या जो लाइनअप है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या किया आपने और जो आगे करने वाली हैं? अच्छा, मैंने अभी जस्ट मैंने तो ऐसे रीजनल मूवीज़ भी की है, राजस्थानी मूवी की हुई है, फिर मैंने हिंदी मूवी भी किया हुआ है, सीरियल्स मैंने ज़्यादा किए हैं, डीडी नेशनल के काफ़ी सीरियल्स किए हैं, लक्ष्मी सीरियल किया है मैंने, कहीं देर ना हो जाए, काफ़ी सीरियल किया है जलील में, और अभी मेरे फिलहाल इसके बाद भी मेरे अभी कुछ एल्बम्स हैं जिसमें शान जी गा रहे हैं, सिंगर हैं, और अभी बस ये सबसे अच्छा है OTT, मेरा ये फर्स्ट है, मैं ये बोलूँगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम OTT में कर रही हूँ, और ये प्रोडक्शन हाउस मुझे थोड़ा डिफरेंट भी लगा, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई नॉर्मल चीज़ कर रहे हो, OTT का मुझे अच्छा लगा, इस वक्त मैंने हाँ भी कहा इस रोल के लिए। सर पहले तो परिचय दीजिए अपना, और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह का प्रोजेक्ट है और इसको बैकअप करने का रीज़न क्या है? मैं पहले तो सबको नमस्कार करता हूँ, मैं विजय सिंह भदौरिया लखनऊ का निवासी हूँ, और OTT प्लेटफॉर्म पे ये पहला सीरीज़ मैं कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक फीचर फिल्म किया था प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, उसकी शूटिंग पूरी लखनऊ सीतापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया था 2019 नवंबर में। उसके बाद OTT पे काम करने का दिल हुआ, तो ये सब्जेक्ट मेरा और मेरे जो डायरेक्टर और राइटर दोनों ही हैं राजेंद्र पॉल जी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने इसको सोचा, फिर ये लिखा गया, और चैनल इंजॉय बॉक्स जो सिंगापुर से रिलेटेड है, उसका मुंबई में ऑफिस है, उनके साथ जुड़ के अच्छा सब्जेक्ट था, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये नया टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा जो पुराने लोगों ने किया उससे हटके है, और इसके बाद मुझे लगता है कि OTT का ही टाइम है अभी और चलेगा, इसलिए हुआ कि चलो एक नई शुरुआत की जाए, इससे मैं इसको शुरू किया। इसमें किरण कुमार से मंजी कलाकार साथ ही अपने को मौका दे रहा है इस प्रोजेक्ट में, क्या कहना चाहेंगे कि किरण कुमार जी को आपने लिया है इस प्रोजेक्ट में, क्या खास वजह रही है? किरण कुमार जी के जुड़ने से इस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ गई, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनके जुड़ने से नेचुरली इस प्रोजेक्ट का और हमारे बैनर का नाम बढ़ा हुआ, इसलिए उनको लिया गया, और वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे मुझे लगे, हम तो उनसे पहली बार मिले थे आज, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे, और कलाकार तो बहुत अच्छे है ही। तो OTT के बारे में सिर्फ जान लें कि कंपटीशन बहुत है, कुछ लोग सपोर्ट में इसके, कुछ लोग खिलाफ भी हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है कहीं कहीं आपको चीपनेस शो कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या विजन है, आप क्या सोच के भी आए हैं कि सपोर्ट करें, आगे चल के किस तरह के प्लेयर को सपोर्ट करने वाले हैं आप? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ऐसा ड्रामा या ऐसी थीम होनी चाहिए कि जो एक परिवार का हर सदस्य बैठ के देख सके, वही होना चाहिए, बाकी तो बनाने वाले के ऊपर है कि वो क्या बनाना चाहता है, वो अपनी अपनी लोगों की सोच है, बनाते हैं। मेरी सोच ये है कि एक ऐसी चीज़ बनाइए जो हम अपने घर वालों के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ बैठ के देख सकें, तो हम तो भविष्य में जो भी करेंगे इस तरह का ही बनाएंगे। और आगे चल के क्या करने वाले हैं, फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात करें? नहीं, हमारी अभी 2-3 चैनल से बात चल रही है, प्रसार भारती पे भी बात चल रही है हमारी DD के लिए, और फिल्म भी शुरू करने का है, और वो हम करेंगे UP बेस, UP गवर्नमेंट में काफ़ी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो नए साल में
है कि ये दो तीन काम शुरू किया गया। चलो बोलो जी। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सिंह है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। बात रही इस प्रोजेक्ट के कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर है मेरा उसका नाम है राहुल। तो जो राहुल कैरेक्टर है बहुत ही मेरे लिए वो एक एक्टर के रूप में एक बहुत ही नया चीज़ है, क्योंकि मैंने वेरिएशंस में ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि एक एक्टर को अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने गुरु किशोर नमित कपूर से भी यहीं सीखा था। तो उसके लिए ये जो चीज़, ये जो कैरेक्टर है ये अलग है मेरे लिए, तो मैं इसलिए इस कैरेक्टर को प्ले करना चाहता हूँ। मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। ये भी चाहूँगा कि क्या बैकग्राउंड रहा आपका एक्टिंग में, कैसे आना हुआ, कितने साल से हैं, और किशोर नमित कपूर से जो एक्टिंग सीखा है जी क्या आपको वहाँ से बेनिफिट जी? मतलब मैं लखनऊ में, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया हुआ है, तो लॉ के ड्यूरेशन में मैं थिएटर किया वहाँ पे। फिर थिएटर का एक्सपीरियंस मुझे हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि फिल्म एक्टिंग पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो मैं किशोर नमित कपूर जो मेरे गुरु जी हैं उनके पास मैं गया, मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली, डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद फिर वहीं से धीरे धीरे एक मूवी करी, उसके बाद एड फिल्म्स में करता रहता हूँ, आगे भी और लाइन अप है मेरे काम एड फिल्म्स में, प्रिंट शूट करता रहता हूँ मैं। और वेब सीरीज़, ये पहली मेरी वेब सीरीज़ मैं करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी मूवी कर चुका हूँ, तो वहीं सब है। ये भी चाहूँगा कि आपको मालूम कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहुत बात होती है, जैसे आगे प्रोजेक्ट के फादर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक सपोर्ट चाहिए सिस्टम कामयाब होने के लिए इस इंडस्ट्री में? जी सर, नेपोटिज्म तो है सर, हर जगह है, हर फील्ड में है। जैसे लॉयर का बेटा लॉयर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, एक्टर का बेटा एक्टर, प्रोड्यूसर का बेटा सोचा मैं प्रोड्यूसर बनूँ, तो गलत नहीं है उसमें। बस गलत तब हो जाता है ना सर, जब हम राइट चीज़ को होने से रोकने लगते हैं। बाकी सर हर जगह हम लोग को मेहनत करनी है, बाकी तो सर ऊपर वाले के हाथ में कैसे क्या होगा, मेहनत करना हमारा काम है। और आगे कैसे प्लानिंग करें करियर को लेकर, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ बताइए जी। ऑलरेडी मेरी लोगों से बात होकर रखी है चैनल से, तो एड फिल्म्स का तो मेरा है अभी, मेरी ऑलरेडी है, मेरा डेट्स भी, नेक्स्ट मंथ शूट है। वेब सीरीज़ के लिए भी बात चल रही है, तो उसे धीरे धीरे करेंगे। और फादर है मेरे साथ में, तो हम लोग भी काम करेंगे, तो एक फैमिली को लेकर के, एक फैमिली बिजनेस को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग साथ में काम करते रहेंगे। जी, पहले तो परिचय से शुरुआत कीजिए, जानना चाहूँगा आपका जो काम नाम है और जो काम किया आपने प्रीवियसली, और इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या किरदार निभा रहे हैं। जी, मेरा नाम हेरम त्रिपाठी है। एक दो फिल्में कर चुका हूँ मैं, रिलीज पे है, एक दो कुछ रिलीज में भी है। और इस, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और इसके जो टीम है सबसे अच्छी बात, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, और ये डायरेक्टर हमारे जो बहुत अच्छे मित्र हैं, कुछ हमारे रिश्ते दो तीन सालों से हैं, ये भी एक टीम बन रही है। अच्छा कुछ मतलब हो रहा है, मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा। तो जो किरदार इसके मतलब कि क्या किरदार है बेसिकली, किस क्या फोकस करने की कोशिश करी आपने? यह किरदार मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है इसका। इसका जो नाम है शिवाजी पाटिल, तो इस नाम में एक मतलब जोश है, और इस तरह से करेक्टर भी ऐसा ही है, बहुत धाकड़ टाइप है। ये पूरी फैमिली को किस तरह से लेके चलता है, और हर फैमिली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके फैमिली कुछ प्रॉब्लम है, उसी के लेके ताना बाना बुरा गया पूरी कहानी को। यही जानना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये क्या समझते हैं आर्टिस्ट के लिए, एक्टर्स के लिए कितना बड़ा मीडियम है, या कितना हेल्पफुल है, या आगे चल के क्या फ्यूचर होने वाला है इसका? देखिए, इसका फ्यूचर तो डे बाय डे अच्छा ही हो रहा, और मुझे लगता है कि जो हुआ हो रहा अच्छा हो रहा। आज नए नए लोग, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं, नए नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, सबके लिए मौका है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक फिल्मों का मीट एक था, तो हर आदमी कितना काम नहीं मिलता था, लेकिन आज के दिन में सबके लिए बहुत अच्छा है, और ईश्वर करें कि चीज़ें बस ऐसे बढ़ता रहे। आगे क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, या कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं फिलहाल? जी, मेरे पास अभी एक फिल्म रिसेंटली साइन किया, नाम उसका अभी थोड़ा सा है, और नेक्स्ट मंथ एक फिल्म मेरी रिलीज है, बंदा नवाज, और कुछ एफएक्स प्लेयर के लिए कर रहा हूँ, एक दो प्रोजेक्ट और बड़े बैनर में कुछ चल रहा है। वंदन नवाज के डायरेक्टर वो हैं, क्या नाम है उनका, नाम बोल रहा हूँ, अर्जुन। कंटिन्यू कीजिए, वो रिकॉर्ड जो आप बोल रहे हैं कंटिन्यू करो, या बीच से कंटिन्यू कीजिए जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ये सरोगेट मदर के ऊपर है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आधुनिक युग में सरोगेसी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है, कि जिनकी गोद सूनी है, जो दुखी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है सरोगेसी। उसी सरोगेसी के उसी विषय को लेकर इस कहानी को बनाया गया है, और उसी पर आधारित ये कहानी है। एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की ज़िंदगी को बचाने के लिए कुंवारी है, बहुत बड़ा बलिदान करती है,
यानी अपनी कोख किराए पर देकर जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पिता की ज़िंदगी बचाती है, क्योंकि उनको उस वक्त पिता को अटैक आया हुआ है और कम से कम 15-20 लाख रुपए की ज़रूरत है, मध्यम श्रेणी है, तो क्या करे, मजबूरी में वो अपनी कोख किराए पर देती है और वो पिता की ज़िंदगी बचाती है। तो एक बलिदान की कहानी, एक लड़की की बलिदान की कहानी है। और रही बात, जैसे हम आपने मुझसे पूछा कि OTT प्लेटफॉर्म सीरियल्स और फिल्मों में क्या फ़र्क है, टेक्निकली कहीं कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अगर हम देखते हैं तो वहाँ फ़र्क है, बाकी कहीं कोई टेक्निकली कहीं कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी एज एन क्रिएटिव पर्सन जो है आपको फ्रीडम भी मिलता है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आप एक लिमिटेशन को क्रॉस भी कर सकते हैं, तो वो अच्छी बात है या आपकी नज़र में क्या कहते हैं नशे के बारे में? नहीं, यहाँ लिमिटेशन तो हर जगह पर है, आप जैसा कहेंगे ना कि अगर वो OTT पे कर रहे हैं तो भी लिमिटेशन है, सीरियल में कर रहे हैं तो भी लिमिटेशन है, फिल्मों में भी लिमिटेशन में ही काम करना पड़ेगा। मतलब कोई फ़र्क मेरी नज़र में कह सकते कोई फ़र्क नहीं है कि आप सीरियल कर रहे हैं तो अलग है, OTT कर रहे हैं तो अलग है, सिर्फ नामों और शब्दों का फ़र्क है, बाकी मार्केटिंग मेकिंग टेकिंग हर चीज़ वही है, कहीं कोई मेरे हिसाब से कोई फर्क ही नहीं। सर, दर्शकों के लिए बताइए आपका जो मतलब काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में जो पास्ट आपने प्रोजेक्ट्स किया है और आगे क्या विजन है एज एन डायरेक्टर, क्या करना है, कुछ बड़ा ड्रीम तो होगा ही आपका भी? हाँ, एज ए डायरेक्टर मैंने, एज ए एसोसिएट, एज असिस्टेंट मैंने काफ़ी काम किया है, फिल्में की हैं, असिस्टेंट में सीरियल्स किए हैं, मुकुल एहसानंद जी के साथ में मैं जुड़ा रहा, उनके साथ फिल्में की हैं, और कमर रारवी साहब के साथ मैंने फिल्में की हैं, ऋतुराज के साथ, बहुत सारे मेरे जैसे डायरेक्टर हैं। फिर कुछ मेरे इंडिपेंडेंट सीरियल्स DD पर आए हुए हैं, चैनल पर आए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छे पॉपुलर रहे हैं। और उसके अभी चूँकि एक मुकाम हर इंसान को पाना है, जैसे मेरा एक हमेशा एक जुमला रहा है कि आसमान छूना है मुझे, सचमुच में आसमान छूना है, और आसमान छूने के लिए कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए। तो मुझे इस वक्त इतने सालों से संघर्ष करते करते आया, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और वो दिया है मुझे विजय सिंह भदौरिया जी ने, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि चल मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आगे बढ़ो, और उनका एक आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद तो ही, उनका भी एक आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, और उन्होंने कहा चलो आगे हम करते हैं। तो मैं सबसे ऊपर वाले के साथ साथ मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, और इसी प्लेटफॉर्म से हम लोगों की आगे की बहुत सारी योजनाएँ हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आसमान को छू लें, जो कि मैंने अभी पहले कहा। तो मैं मेरे प्रोड्यूसर्स का बहुत आभारी हूँ, मेरी सारी टीम का आभारी हूँ, मेरे सारी यूनिट का आभारी हूँ कि मुझे पूरा सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए उनका मिल रहा है। मैम, पहले तो ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट है उसका क्या मतलब थीम क्या है, और जो किरदार निभाने उसके बारे में बताइए। इस प्रोजेक्ट में मेरा किरदार का नाम गंगा है। थीम बहुत डिफरेंट है, ये एक फैमिली बेस्ड है, और काफ़ी टाइम बाद ऐसा कुछ आ रहा है OTT पर, जो कि हम बहुत टाइम से देख रहे हैं OTT पर, कुछ सस्पेंस थ्रिलर हॉरर इस तरह की रोमांटिक, पर ये एक फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ है, एक्चुअली फैमिली ड्रामा ही है जिसको पूरी फैमिली एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकती है। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम गंगा है, और उसका स्ट्रगल थ्रू आउट जर्नी, उसके फैमिली के साथ, उसके नेबर्स, उसके ऑल ओवर जो भी सोसाइटी में उसके साथ चीज़ें घटी हैं, उसको उसने कैसे डील किया, कैसे स्ट्रगल करके ओवरकम की चीज़ें, यही कहानी है। तो आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने पास में काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए होंगे और फ्यूचर में करने वाले होंगे, तो कुछ बताइए पास के बारे में, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं दर्शकों के लिए और जो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है एक्टिंग को लेकर। मैंने मोस्टली तो TV ही किया है, TV शोज़ बहुत किए हैं, कुछ कमर्शियल्स किए हैं, TV शोज़ मेरा रिसेंटली लास्ट मंथ आई वॉज डूइंग तेनालीरामा जो अफेयर हुआ है अक्टूबर में ही, तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, ये शुरू होने वाला था, डेट्स को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, बट लकीली टाइम निकल गया और फाइनली आज हम शूट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट किरण कुमार जी, मतलब काफ़ी दिन से मिनट्स में काम कर रहे हैं, मंजीवर कलाकार हैं, कैसा अनुभव था उनके साथ सीन शूट करने का? फर्स्ट डे है उनके साथ, आज मेरा फर्स्ट टाइम मैं इंटरेक्शन किया उनके साथ,
मुझे अब तक बहुत मज़ा आया उनके साथ शूट करके. बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं वो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और दिल से सबके साथ जुड़ते हैं वो. अभी तो हमारा शुरुआती हुआ है, धीरे धीरे आई थिंक जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक और अच्छे कैजुअल रिलेशन हो जाएंगे. बट बहुत ही प्यारे इंसान हैं. तो बेसिकली बिलोंग टू विच प्लेस और हाउ डिड यू कम टू मुंबई, और शुरुआत के दौर के बारे में बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए कहाँ से आई हैं. और मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, आई एम फ्रॉम देहरादून. एक्टिंग में शौक था, मैं कॉलेज में आई यूज़ टू डू प्ले एंड डांसिंग, ये इसमें मैं पार्ट लेती ही थी. तो शौक तो था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने लिया था पार्ट, तो मैं मिस उत्तराखंड बनी थी. उसके बाद से अपने आप ही मुझे शोज़ के ऑफ़र आने लग गए थे, तो बस उसी के चलते मैं यहाँ पर आ गई थी. ज़्यादा कुछ ही दो से तीन महीने के अंदर मुझे काम मिलना शुरू हो गया था. और हाँ, काम ऐसा था कि कैमरा एक्टिंग नहीं आती थी, नॉर्मल एक्टिंग आती थी. धीरे धीरे यहाँ पर आकर मुझे कैमरा एक्टिंग की नॉलेज हुई, वो सीखा मैंने. कुछ सीनियर एक्टर्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला. सुप्रिया मैम, कमलजीत सर, मेरा पहला शो था मेरी भाभी स्टार प्लस पे, तो बहुत उन लोगों से मुझे बहुत नॉलेज मिली कैमरे के साथ, कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग की जाती है. तो उनका गाइडेंस, उनके सपोर्ट एज एन गार्जियन मुझे मिला है. तो बस धीरे धीरे वहीं से शुरुआत हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ा और एक के बाद एक फिर मैं शोज़ करती गई. अभी रिसेंट मैंने किया था लास्ट ईयर ही मेरा श्रीमद भागवत, जिसमें मैं लक्ष्मी प्ले कर रही थी. और अभी तेनालीरामा मेरा ऑफर हुआ है. एंड समथिंग इन द पाइपलाइन, मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाह रही हैं आगे चल के, या समथिंग स्क्रिप्ट यू आर रीडिंग राइट नाउ द मोमेंट? मैं इसी तरह के प्रोजेक्ट में बिलीव रखती हूँ. मुझे फैमिली ओरिएंटेड शोज पसंद हैं, बिकॉज मुझे बोल्ड और उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं करना पसंद करती हूँ. तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग जानी थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबी इस प्रोजेक्ट की लगी थी वो यही थी कि इतना क्लीन प्रोजेक्ट है, इतना प्यारा प्रोजेक्ट है ये, कि लोग देखेंगे तो सच में पूरी फैमिली, बच्चे से लेके बूढ़े तक इस फैमिली को एक साथ बैठकर इस शो को देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं साथ में. और बहुत टाइम बाद आई गेस ऐसा कुछ आ रहा है OTT पर, क्योंकि आजकल लोग क्या है ना, यूथ तो देख लेता है बट फैमिली को नहीं दिखाना पसंद करेगा. ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्जेक्ट्स पे OTT प्लेटफॉर्म, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सभी जानते हैं. तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम सब पूरी फैमिली के साथ, जैसे हमने टीवी के आगे बैठ के पूरी फैमिली बैठ के देखते हैं, तो ये वो प्रोजेक्ट है. कैसे लिया मैम अबाउट द प्रोजेक्ट, किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या किरदार निभा रही हैं इसमें? ये एक मतलब एक किसान की लड़की है, और जो गंगा जो प्ले कर रही है मेरी बेटी का रोल, तो उसके जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं.